चलो अपनी अपनी किताब खोलो। ये है अलिफ। अलिफ। बे। बे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मान मियां? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऐसा करो, तब तक ये पढ़ो और लिखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है? सभी को लिखना है, मैं अभी आता हूँ। सैद, इधर आओ। आज हमारा स्कूल का हाफ था, तो हम जल्दी आ गए। अब तुम लोग भी जल्दी से सबक पूरा कर लो, या हम खूब खेलेंगे। चलो। अरे सैद, अभी क्यों खाली? मुझे डांटेंगे मौलवी साहब। अरे जैद मियां, चलिए खड़े हो जाइए, अपनी जगह पे चाहिए, दिखाइए क्या लिखा आपने। क्या ये? कुछ भी नहीं लिखा तुमने। चलो बच्चों आप दिखाओ। माशाल्लाह, बहुत खूब बच्ची हो। चलो बेटा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझे आप? बैठिए नीचे। पढ़िए। चलो आज के लिए इतना ही, कल के लिए आपका होमवर्क है, आपने अलिफ से लेकर से तक पूरा लिखना है। मैं कल आके चेक करूंगा, ठीक है? और जाहिद मियां, आप खास तौर पे, समझे आप? क्या हुआ बच्चों, हंस क्यों रहे हो? रुखसार बीबी, अमान मियां, क्या हिमाकत है रुखसार बीबी? हम यहाँ पे उस्ताद के तौर पे आए हैं कि जोकर के तौर पे? देखिए, हम इनको मजहबी तालीम देने आए हैं, आप इनको थोड़ा अदब कायदा सिखाइए। चलते हैं हम। चाची, आज हमें खाना नहीं मिलेगा। क्या किया तुम बच्चों ने, क्या किया? लगता है हमें मार भी पड़ने वाली है। सारी मार हम खाएंगे। सजा सिर्फ मार देकर नहीं दी जाती, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिससे तुम्हें मार से ज्यादा दर्द होगा। आज तुम तीनों बच्चे पूरा दिन अपनी जारा अप्पी से बात नहीं करोगे, समझे? फोन क्यों नहीं उठा रही है? जीनत भाभी को करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अप्पी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी अम्मी कहाँ पर है? गरीबों की मदद के लिए एक इवेंट हो रहा है ना, उसमें गई है। फोन घर पर ही रह गया। अच्छा। अलीशा, फिरदौस और जैद आज आपसे बात नहीं कर पाएंगे। चुपचाप। हम नहीं पिएंगे ये, हम आपकी शिकायत कर देंगे। ऐसा क्या? हमारी शिकायत करोगे तुम? हम्म, तो हम तुम्हें मदरसे में डाल देंगे। बैठो यहाँ। बैठो। इतना तीखा हमसे नहीं खाया जाएगा। हमें भी नहीं खाना। हमसे भी नहीं खाया जाएगा। तो मत खाओ, जब भूख लगेंगी ना तब अकल ठिकाने आएंगे, पर खाना तो यही खाना पड़ेगा।
जबरदस्ती खाने को कह रही है। हमें चीकन ही खाना। वो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है ना बेटा। कभी हमारे पास हमारी पसंद का खाना नहीं हुआ तो ऐसा खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जाओ खाओ। जो मिला अल्लाह का शुक्र मान के खाओ। बैठो। हमें तीखा खाना नहीं खाना। फिरदौस खा ले, नहीं तो ये लोग हमें ये खाना भी नहीं देंगे। लेकिन हमें तीखा खाना पसंद नहीं है। ये तुम्हें तीखा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा है। अच्छा तो तुम खा लो। ए महारानी, उठ, नीचे उतर के सो। सुनाई नहीं देता, उठो। नीचे उतर के सो। हाय, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मुझे सोना है। अलीशा, जारा अप्पी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? हमें यहाँ नहीं रहना अप्पी। ये लोग हमसे बहुत सख्त बर्ताव करते हैं। ये तुम हमारे घर में क्या कर रही हो सारा? अलीशा, बच्चे हम मानते हैं कि जिस तरह की परवरिश हम तुम्हें दे रहे हैं वो उससे तुम्हें थोड़ी सी परेशानी होगी। तू अपनी जारा अप्पी के साथ रही हो लेकिन इसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। हम तुम्हें अच्छी तालीम दे रहे हैं। तालीम दो लेकिन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव तो मत करो, ये गलत है। तुम होती कौन हो हमें ये सब कुछ बोलने वाले? और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी सुनेंगे? नहीं, हमें पता है कि तुम हमारी बात नहीं सुनोगी, मगर एक ऐसा इंसान है जो हमारी बात सुनेगा भी और समझेगा भी, और उसकी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। हेलो कबीर, जल्दी से अपने घर आ जाओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। कबीर, हम मानते हैं कि तुमने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हो, और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन कुछ करने से पहले एक बार बच्चों की उनकी खुशी किस में है ये पूछ लो। उन्हें किसी चीज की तकलीफ तो नहीं ये जान लो। हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो जारा? हम बच्चों का या उनकी खुशी का ख्याल नहीं रख सकते? माना कि जो परवरिश हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन हम बच्चों को एक अच्छा इंसान, एक बेहतर मुस्लिम बनाना चाहते हैं। सारा, रुखसार जो कह रही है सही कह रही है। जो कुछ भी हम कर रहे इन बच्चों के लिए तो कर रहे, और उनकी भलाई के लिए है ये, और ये जो तकलीफ हो रही है ना इनकी बेहतरी के लिए है। इन्हें तालीम दिलवाना हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज निभाएंगे। लेकिन कबीर, बस इस पे बहस नहीं होगी। वालिदैन हैं हम इनके, हमें इनकी फिक्र है बहुत ज्यादा, शायद तुमसे भी ज्यादा। कबीर, हम तो
सिर्फ इतना चाहते। समझते हैं तुम्हारे जज्बात, हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन तुमको हम पर यकीन रखना होगा। क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? रुखसार जो कुछ भी कर रही है उनकी बेहतरी के लिए तो कर रही है। खुदा के वास्ते हम तुमसे एक गुजारिश करें कि उनकी तरबियत में रुकावट मत बनो तुम। लेकिन जारा, अगर तुम इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखोगी ना, बच्चों के लिए अच्छा होगा। चाचू ने हमें जारा अप्पे से मिलने क्यों नहीं दिया? हम जानते हैं तुम दोनों का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है और आप जनाब इतने गुस्से में क्यों हैं? जारा भी चली गई। चली गई? लेकिन अगर कोई सीक्रेट हो, कोई मसला हो, तुम हमें भी बता सकते हो ना? रुखसार खाला से हमें डर लगता है, वो हमें रोज डांटती है। बैठो बैठो। तुम्हें पता है जब हम छोटे थे ना, तुम्हारी उम्र के थे, तो हमारे अबू हमें भी बहुत डांटते थे। हम ना ऐसे ही अपनी अम्मी के पास आते, हमारी अम्मी हमें समझाती कि बेटा जब बड़े बच्चों को डांटते हैं ना, तो उसका मतलब है वो उनकी भलाई के लिए, क्योंकि तब जाके वो बच्चे अच्छे बनेंगे। इसलिए रुखसार आपको डांटती है और कुछ नहीं। जारा, अगर तुम इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखोगी ना, बच्चों के लिए अच्छा होगा। खालू जान, आपसे एक बात पूछे? बेशक पूछो बेटा। क्या बच्चों का कबीर की कस्टडी में जाने के बाद हमारा बच्चों पर कोई हक नहीं रहा? हक है बेटा, आपके और बच्चों के बीच में एक मोहब्बत का रिश्ता है जो हमेशा कायम रहेगा। मगर आप बच्चों को लेकर परेशान मत हुआ करो बेटा, कबीर मियां है ना, वो बच्चों के हक में अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। और ये उनका फर्ज भी बनता है कि वो बच्चों को मजहबी तालीम देकर के उनके जहन को रोशन करें। लेकिन बच्चों को पहले अच्छा इंसान बनने की तालीम देनी चाहिए। अच्छे इंसान बनेंगे तभी तो मजहबी तालीम से अच्छे मुसलमान बन पाएंगे। देखो बच्चों, हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए? ए, चलो तुम। नहीं। अच्छा, नहीं खाना है? पहले पपी चाहिए। हमें खाना है पहले। और खिलाओ सबको दो। अरे जी, सलाम अलैकुम। जरूर जरूर, अभी आते हैं। रुखसार,
जो रेस्टोरेंट हम शुरू करने जा रहे ना उसके दावतनामे बन चुके और वो हमें लेने जाना है। फिलहाल के लिए इन तीनों का ख्याल रखोगी तुम? तुम बेफिक्र होकर जाओ कभी, हमें तो दिन रात बस बच्चों का ही ख्याल रहता है। तुम जाओ। जाए हम। अल्लाह हाफिज। जो मौलवी साहब ने सबक दिए थे वो याद हुए या नहीं? नहीं, हमें भी याद नहीं है। कोशिश की थी पर 2 घंटे में तुम्हें सब सबक याद हो जाने चाहिए, वरना ऐसी सजा देंगे कि तुम अपना नाम भूल जाओगे। कबीर ने हमें बच्चों से मिलने भी नहीं दिया, जबकि बच्चे हमसे मिलना चाहते थे, हमें अपना हाल बताना चाहते थे, लेकिन कबीर ने हमें उनसे बात तक नहीं करने दी। उसका कहना यह है कि हम बच्चों से दूरी बनाए रखें। हमें लगता है कि कबीर अब रुखसार के मुताबिक चलने लग गया, सिर्फ उस पर ही यकीन है उसे। ऐसा नहीं है बेटा, कबीर मियां बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ही सोचते हैं और हमें पूरा यकीन है बेटा कि कबीर मियां बच्चों के हक के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। मस्ती करो, दूध पी लो। प्रदाश, अब तुम भी अपना दूध पी लो। हमें दूध नहीं पीना, आप पी लीजिए। माशाल्लाह, क्या जायकेदार खुशबू आ रही है। तुम बना क्या रही हो? कपकेक। माशाल्लाह, हम मदद करवाएं तुम्हारी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। वैसे जिनके लिए तुम ये कपकेक बना रही हो, रुखसार बीबी तुम्हें उन बच्चों को खिलाने देंगी? पता नहीं, पहले तो बीबी सर का दर्द थी, अब तो बाबा भी बन गए। बाबा? कौन बाबा? कबीर मियां आपके। माशाल्लाह, ये नमक पारे? हम तुम्हें बताते, हमारी अम्मी जान ना इतने अच्छे बनाती थी और हम नाच नाच के खाते थे इसे। बहुत शरारती थे हम बचपन में। सच ना, और कहा हम खाएंगे। अरे तुम ये तो बताओ, तुम्हारा बचपन कैसा था? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। हमारा बचपन? हम अपने बचपन में ज्यादा ही जल्दी बड़े हो गए थे। हमारे अब्बा और अम्मा इतना लड़ते थे कि हमें शरारत करने का मौका ही नहीं मिलता था। और पता है, हम रोज यही सोचते थे कि कोई बात नहीं, अगर आज बुरा है तो कल जरूर ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हमारे अब्बा ने हमारी अम्मा को तलाक दे दिया, उन्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। और उनके इस एक फैसले ने हमारा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, भिखारी की हद पार कर दी तुम बच्चों ने आज। एक लफ्ज तक याद नहीं किया। ऐसी भी कैसी नींद होगी? मौलवी साहब ने तुम्हें इतनी मेहनत से पढ़ाया, तुम लोगों ने एक लफ्ज तक याद नहीं किया। इस नाफरमानी की सजा ना तुम्हें जहन्नुम में मिलेगी। जहन्नुम किसे कहते हैं पता है? वहां आग का दरिया बहता है।
गुनाह करने वालों की आंखें नोच दी जाती हैं। काल कोठरी में डालकर सांप छोड़ दिए जाते हैं। हमें जब सेठ ने अगवा किया था ना, वाह कोठरी थी, जरा पे उसे जहन्नुम बोलती थी, हमें वहां डाल दिया जाएगा। नहीं, वो जगह वो काल कोठरी इससे भी डरावनी है, बहुत खतरनाक। अगर तुम में से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी ना, तो उसे वहां डाल दिया जाएगा, समझे तुम तो?